अलग ही लेवल की है कि जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। एक तो ये कम पैसों में इतनी वैरायटी देते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। और यहाँ का जो आप फीस देखेंगे ना, ये अच्छा जूम करके बताओ, यहाँ का फिश टिक्का भी इतना सॉफ्ट है कि मैं आपको बता नहीं सकता। जुनून ऐसा है कि समुंदर में आग लगा दूंगा, जुनून ऐसा है कि समुंदर में आग लगा दूंगा, तुम लोग मेरा साथ देना और मैं पूरी इंडिया के रेस्टोरेंट एंड दुनिया के रेस्टोरेंट आपको दिखा दूंगा। तो दोस्तों, जैसा कि आज मैं हूँ वाशी के अंदर, और वाशी के अंदर आने की एक बहुत ख़ास वजह है कि जो ऐसा कि आपसे 5 महीने पहले मैंने एब्सोल्यूट बारबेक्यू का व्लॉग बनाया था, और वहाँ का खाना मुझे इतना पसंद आया कि मैं आपको बता नहीं सकता। दोस्तों, जैसा कि मुंबई के अंदर यहाँ पे सिर्फ 2 ही एब्सोल्यूट बारबेक्यू रेस्टोरेंट है, एक या तो पवई के अंदर है, एक है वाशी के अंदर। तो जैसा कि मेरे को यहाँ पवई वाला तो मैंने ट्राई कर लिया था, एक मेरी ख्वाहिश थी कि मैं जो वाशी वाला है वो भी एक बार ट्राई ज़रूर करूँ। तो आज मैं वही ख्वाहिश को पूरी करने के लिए आ गया हूँ, और आपको यहाँ का सेटअप कैसा है और यहाँ का भी खाना कैसा है मैं सब आपको बताऊँगा। अगर आप यहाँ वाशी में रहते हैं जैसा हमारे चाहने वाले हमारे सब्सक्राइबर्स, तो यहाँ पे आके खा सकते हैं। और यहाँ पे मैं आपको इतने कम से कम 600-700 रुपये में ना पूरी 109 से प्लस आइटम, 109 से भी ज़्यादा प्लस आइटम मैं आपको यहाँ पर आज दिलवाने वाला हूँ। दोस्तों, वो कैसे है बिल्कुल भी आपको शक नहीं करना है, मैं आपको बताऊँगा, पूरा बिल का फ़ोटो भी अपलोड करूँगा। तो दोस्तों, फाइनली जैसा कि अभी आ गए हैं हम थर्ड फ्लोर पर। तो दोस्तों, यहाँ पे अभी मैं जस्ट लिफ्ट से निकला और यहाँ का जो व्यू है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। अभी मैंने कल ये अपने स्टेटस पर अपलोड किया था, व्यू देखो कितना ज़बरदस्त है यहाँ का, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। और अभी हम चल रहे हैं रेस्टोरेंट के अंदर। तो दोस्तों, जैसे ही आप लिफ्ट से बाहर आते हैं सामने ही आपको एब्सोल्यूट्स बारबेक्यूज दिख जाता है। तो अभी हम चल रहे हैं अंदर की साइड, और यहाँ का एम्बियंस किस तरह का है वो भी आपको दिखाता हूँ। बाकी यहाँ का जो एम्बियंस है बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत रहता है, आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का। हर एक टेबल, हर एक कुर्सी, हर एक चीज़ एक एक अलग लेवल की है, जिसकी जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। और खाने की तो मैंने आपको बता ही दिया है, और अभी मैं खा के लाइव भी दिखाऊंगा आपको। तो दोस्तों, अभी क्या हमने जैसा कि इजी डाइनर से हमने जो है अपना 2 लोगों का यहाँ पे बुक कर दिया था, तो अभी खाना आने ही वाला है। तो दोस्तों, जैसे कि फर्स्ट सबसे पहले हमने अंदर आने के बाद एक सबसे पहले जो काम किया वो किया है कि भाई हमें एक अच्छी व्यू वाली भाई टेबल चाहिए होता है। तो जैसा कि हमने लिया है साइड वाला कॉर्नर, जिससे यहाँ का व्यू, नीचे का व्यू भी बहुत ज़बरदस्त आ रहा है और बहुत ही ज़्यादा एकदम सेपरेट है, व्लॉग बनाने में भी मज़ा आएगा। आप देख सकते हैं नीचे का व्यू एकदम ज़बरदस्त दिख रहा है। वैसे ये थर्ड फ्लोर पे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि भाई हम 5वें माला पे बैठे हैं। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत खूबसूरत व्यू है। और अब आ गया है खाना। तो दोस्तों, ये आप बैठते ही आपको आ जाता है शुरू में आलू टिक्की। आलू टिक्की जो है यहाँ का एकदम मायो लगा हुआ था, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था, बहुत मज़ा आया। ये अभी आ गया है पनीर टिक्का। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने नॉनवेज वाला बुफे सिलेक्ट किया है, तो उसमें मेरे को वेज नॉनवेज दोनों आइटम्स मिलने वाली है। मशरूम टिक्का मिल गया मेरे को, और अभी ये पाइनएप्पल टिक्का भी मिल गया है। अभी देखते हो क्या क्या आ रहा है। और इसी के साथ साथ आपको मिल जाती है यहाँ पर ग्रीन चटनी, एकदम डिलीशियस, और मायो मिल जाता है। तो फाइनली मैं पहले सबसे पहले मैं आपको पाइनएप्पल टिक्का टेस्ट कर लेता हूँ, इतने दूर से नॉनवेज टिक्का आ ही रहा है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको हर हमेशा बताया कि पाइनएप्पल टिक्का मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है, मैं कहीं भी जाता आई मीन बारबेक्यू में अगर मैं गया वहाँ पाइनएप्पल टिक्का है, तो भाई 4-5 सीख तो मैं पाइनएप्पल टिक्का की खा ही जाता हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। बाकी आपको पसंद है तो आप कमेंट में बता सकते हैं ये पनीर टिक्का। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने पनीर टिक्का का एक ही पीस लिया हो, बिकॉज़ मैं आज जो है ना पूरा नॉनवेज पे ढाबा बोलने वाला हूँ। मशरूम का भी एक ही पीस लिया हो, क्योंकि भाई मेरे को आज फुल पैसा वसूल करके दिखाना है आपको, क्योंकि अगर आप कभी एब्सोल्यूट बारबेक्यू आए हैं तो इस तरह से भाई आप पैसा वसूल कर सकते हैं। तो मैंने ग्रीन चटनी ले लिया है, और अभी आप देख सकते हैं जो कि मेरी सीख पे सीख अभी आती जाएगी। प्राउन्स टिक्का यहाँ पर आ गया है, और यहाँ पर अपना फ़िश टिक्का मेरे को मिल जाता है। दोस्तों, मैंने जैसा बताया था अभी कि फ़िश टिक्का यहाँ का बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, और इतना खाने में मज़ा आता है ना, मैं आपको बता नहीं सकता। बहुत ही ज़्यादा, इससे ज़्यादा अच्छा मैंने फ़िश टिक्का अपनी लाइफ में कभी खाया ही नहीं है। मैंने बहुत सारे बारबेक्यू का रेस्टोरेंट का व्लॉग बनाया है, लेकिन इसके जैसा है ही नहीं। अगर बात करें
या इसका जो चिकन तंदूरी टिक्का है वो भी बहुत ज़्यादा टेस्टी, और चिकन तंदूरी जो आता है लेग पीस वो भी बहुत ज़्यादा है, आई मीन अमेजिंग। टेस्ट के बारे में जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। और ये आ गया है स्वीट कॉर्न, तो दोस्तों सबसे पहले ले लिया मैंने अभी चिकन तंदूरी टिक्का। मुंह में पानी तो ऐसा लपालप आ रहा था ना, मैं भाई आपको बता नहीं सकता। फ़िलहाल अभी थोड़ी देर तक और मैं बैकग्राउंड से वॉइस ऐड कर रहा हूँ, बिकॉज़ अभी लाइव म्यूज़िक बज रहा था। मैंने वेटर को बोला है भाई म्यूज़िक बंद करा दो, तो थोड़ी देर में लाइव भी वॉइस आ जाएगी, लेकिन अभी मैं बैकग्राउंड से इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज़ कॉपीराइट आ जाएगा। तो दोस्तों जैसा कि मैंने अभी निकाल लिया है चिकन तंदूरी टिक्का, फ़िश टिक्का, और मैं ये खा के बता देता हूँ अभी। और दोस्तों यहाँ पर जो है कॉम्प्लीमेंट्री में ड्रिंक मिलता है आपको, ये जैसा का स्ट्रॉबेरी मॉकटेल है, और इसके अलावा लीची मॉकटेल आता है। तो दोस्तों आप अगर यहाँ पे आ रहे हैं तो एक बात मैं बता दूँ, लीची वाला जो रहता है ना, लीची ब्लूबेरी वाला, वो मंगाना आप, उसमें बहुत मज़ा आते हैं। तो मेरे लिए इन्होंने यहाँ पे लेकर आया है, लेकिन मैं उसको अभी थोड़ी देर में एक और बोलने वाला हूँ, तो मेरे को एक एक्स्ट्रा भी देने वाला है, क्योंकि मैंने उसको बोला भाई मेरे को ये स्ट्रॉबेरी इतना मज़ा नहीं आ रहा है, तो मेरे को लीची वाला दे दो। तो उसने अपनी तरफ से एक और ला के दिया। तो अभी देखिए फ़िश टिक्का जो है ना बहुत ही ज़्यादा, और ये अभी आ गए आप देख सकते हैं मटन, हाय हाय मटन सीख भाई, मटन सीख खाना मत भूलना यहाँ की। और ये साथ में आ गए तंदूरी लेग पीस, मटन सीख भी माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा लजीज था। आयशा कभी मटन सीख खाती नहीं, लेकिन यहाँ पे मटन सीख आयशा ने थर्ड टाइम रिपीट किया था। और ग्रीन चटनी ले लिया, और अभी हम इसके मज़े उड़ाएंगे। मुंह में पानी आ रहा है बहुत ज़्यादा, मुंह में चला गया सीख, अभी पानी का तो कुछ होने वाला नहीं है। तो दोस्तों एब्सोल्यूट बारबेक्यू आप आना ना भूले कभी भी आ रहे हैं। तो दोस्तों अगर बूफे में बात करें, अगर आप ऑल ओवर इंडिया कहीं भी जाएंगे, तो मैं आपको बता दूँ एब्सोल्यूट बारबेक्यू से अच्छा अपनी लाइफ में अभी तक मैंने कहीं का भी बूफे नहीं देखा। यहाँ की जो क्वालिटी है वो अलग ही लेवल की है, तो जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। एक तो कम पैसों में इतनी वैरायटी देते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। और यहाँ का जो आप फिश देखेंगे ना, ये अच्छा जूम करके बताओ, यहाँ का फिश टिक्का भी इतना सॉफ्ट है कि मैं आपको बता नहीं सकता, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट। एक एक पीस एकदम इतना लाजवाब है कि मैं आपको बता नहीं सकता। ये पनीर है, ये देखो फिश, देखो पहले फिश इतना आज तक मैंने कहीं का, आई मीन बारबेक्यू नेशन से भी आप कंपेयर करो तो वो भी इसके सामने चाय कम पानी है। ये आप यकीन मानिए मैंने फर्स्ट टाइम बनाया था पवई में, इसका ब्लॉग बना चुका ऑलरेडी, आप देख सकते जाके। लेकिन मैं अभी ये एक और ब्रांच है मुंबई के अंदर, यहाँ भी मुझसे रहा नहीं गया, मैं आ ही गया हूँ क्योंकि मेरे को यहाँ देखना था यहाँ का सेटअप कैसा है। यहाँ का जैसा वहाँ का टेस्ट था, बाकी यहाँ का टेस्ट भी वैसा ही है। और यहाँ पे भी हमको जैसे बहुत ही ज़्यादा जबरदस्त कॉकटेल्स वगैरह भी दी गई, जैसे स्ट्रॉबेरी जूस दिया है। एक कॉकटेल अगर आप नॉर्मल ये पीने जाएंगे कहीं भी तो कम से कम 300 से 300, हाँ 300 अबाउट इसका प्राइस होता है सर सिंगल, अगर आप कॉकटेल लेंगे। लेकिन ये आपको मिलने वाला इतने कम रेट में, अभी मैं आपको पे करके बताऊँगा। मैं जैसे कि इजी डाइनर के थ्रू मैंने ये बुक किया है, तो आप देखेंगे पर पर्सन कितना कम बैठने वाला है। वीडियो के एंड तक बने रहो। और इतना अच्छा व्यू भी मिल रहा था आपको। ये बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन ये ड्रिंक में अगर ब्लू वाला मिल जाता ना तो ये वो लीची वाला फ्लेवर, लीची वाला ठीक है, लीची वाला लगा था क्योंकि मैंने लास्ट टाइम आपके उधर लिया था, वो स्ट्रॉबेरी भी दिया था उन्होंने, वो लीची ली। ओहो कैसा लग रहा है ऐसा, बट स्ट्रॉबेरी फ्लेवर भी बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है इनका।
मॉकटेल मुझे बहुत पसंद है। तो यहाँ पे ये वेज कबाब आपको मिल जाता है। तो दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूँ, उसको वो तो बोलना था। तो दोस्तों एक बात बता दूँ मैं तुमको, एक्चुअली एक ही ड्रिंक कॉम्प्लीमेंट्री होती है ना, दो नहीं। आपको जो ड्रिंक मिलती है ना, मैं ब्लू वाला लेता हूँ जिसमें लीची है। कौन सा रहता है ऐसा फ्लेवर? लीची फ्लेवर है इसमें, लीची प्लस अलग मॉकटेल कुछ मिक्स रहता है, ये बहुत टेस्टी लगता है। तो अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं तो स्ट्रॉबेरी ना छोड़ के आप ये लीजिए, बहुत मज़ा आया। ओहो बहुत ज़्यादा। तो दोस्तों अभी जितना भी है ना, ये स्टार्टर चल रहा है। अभी स्टार्टर के बाद यहाँ पर लाइव काउंटर्स है, डेजर्ट्स है, एंड ये अपना चाट है, विज क्यूजिन है, पास्ता, इंटरनेशनल कजिन्स, या सब हाँ तुम बोल दो ना। पास्ता, चाट, लास्ट में क्या लिखा है वो नहीं दिख रहा, वो सब आपको दिखाने वाले अभी पूरा। और आयशा भी क्या क्या चटोरी चाट खाने वाली है वो भी मैं आपको बताऊँगा। बेइज्जती कर दी बस ड्रिंक के मज़े ले रहा हूँ मैं अभी। और यहाँ का जो खाना है, एक्चुअली मैं तो पवई वाले में ऑलरेडी जा चुका हूँ, टोटल गुड है, ऑल गुड, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है भाई। नहीं, अभी नहीं मेरे अभी रिपीट में मंगाया हमने, चिकन टिक्का मंगाया है और मैंने मंगाया है अभी फिश टिक्का भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है, एकदम सॉफ्ट है, वो जिनके दांत नहीं है वो भी खा जाएंगे, इतना सॉफ्ट है। और पाइनएप्पल टिक्का भी मंगाया है, आ गया भाई अपना पाइनएप्पल टिक्का आ गया, और चिकन आ गया। आप ये प्रॉन्स ले लो, क्योंकि ये कोई खाता ही, हमने तो तजवे नहीं किया है। और फिश आ गई भाई, एक फिश आयशा खाने वाली है, एक मैं खाऊंगा, एक फिश एक पूरा। चलो आयशा यार, ये जो तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने सीख की सीख पूरी खाली कर दी है, और खाली हमने क्या छोड़ा मालूम, ये पनीर टिक्का एक बचाया है, और ये जो है इसके बाद जो मैं मशरूम खाली दो पीस छोड़ा है। बाकी आप देख सकते हो स्टार्टर में तो भाई हमने फुल पैसा वसूल कर लिया, आप यकीन मानिए 1500-2000 का स्टार्टर अपन फैल गया, क्योंकि हमने बहुत सारी रिपीट करके फिश, मटन, कबाब और टंगड़ी वंगड़ी सब मंगा के खा गए। अभी हम लाइव काउंटर पे जा रहे हैं, देखते हैं क्या क्या खाने वाले हैं। मैं तो दो ड्रिंक मंगा के पिया हूँ, बाकी एक ही कॉम्प्लीमेंट्री रहता है, आयशा का अभी बचा हुआ है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो है चिक्की भी यहाँ पे, यहाँ पे सब आपको क्या क्या मिल रही है, गजक एक प्लेट ले लूँ क्या, यहाँ गजक मिल रही है, पीनट चिक्की मिल जा रही है, तिल की चिक्की है, और लाहौरी लेवड़ी भी है, गजक, और ये सब आपको मिलने वाला है यहाँ पे, क्योंकि इन्होंने अभी फेस्टिवल ऑफर रखा है यहाँ पे। तो यहाँ पे लाइव काउंटर्स में आपको मिल जा रहा है पानी पूरी, पास्ता, और ये मोमो। अच्छा अच्छा बिल्कुल लगा मोमो तो लगा। तो यहाँ आलू टिक्की, रगड़ा चाट, बोन एप्पल पेटी आपको मिल जाएगा, और भाजी भी मिल जाता है। ऐसा बताओ ये पास्ता है, प्रोटीन बाउल्स, सो हो हैव प्रोटीन बाउल्स, यहाँ मिल जाएगा आपको, वेज और नॉन वेज दोनों यहाँ पे मिलेगा। आप खुद देख सकते हैं यहाँ पे ग्रीन कैप्सिकम है, कोरिएंडर, रेड कैबेज, टोमेटो, स्प्रिंग ऑनियन, कैबेज, स्वीट कॉर्न, ब्रोकली, बोक चॉय, और अब मशरूम वगैरह सब मिलेगा। इधर इधर तो ये आप देख सकते हैं, ये हॉट एंड सॉस चिकन सूप है, ले लेते हैं। तो फर्स्ट में ले रहा हूँ हॉट एंड सॉस चिकन सूप। यहाँ का चिकन सूप कैसा है वो खा के पता चलेगा, देखने में तो काफ़ी भारी दिख रहा है। तुम भी होगी? हाँ तुम्हारे में से मटन कोल्हापुरी है, हो बटर चिकन है, वो एक करी है,
मैं बटर चिकन खाऊंगी, थोड़ा थोड़ा ले रहा हूँ, मटन कोल्हापुरी भी ले रहा हूँ थोड़ा सा ट्राई करने के लिए कैसा है। ये ले लिया मटन कोल्हापुरी और ये है बटर चिकन, क्या बात है भाई, या क्या। और ये क्या है, एक करी, एक करी भी थोड़ी सी ट्राई करेंगे कैसा है। एक्चुअली कैसा है, हमने बहुत सारे बूफे में जाते हैं तो अपन क्या करते हैं ये मांगानी फिश करी, चिकन फ्राइड राइस, चिकन चिली। हाँ, हम क्या करते हैं खाली स्टार्टर खाते हैं और बाकी मेन कोर्स हम मेन कोर्स ज़्यादा नहीं देते, और मेन कोर्स में ले भी लिया तो दाल राइस। फिश नहीं खाने वाले भाई, फिश तो नहीं खा पाएंगे। थोड़ा सा चावल ले लिया फ्राइड राइस से चिकन, और ये है चिकन चिल्ली, इसको बीच में चिकन चिल्ली बीच में आ जाएगी, ये लो। तो प्लेट हो गई है फुल, इतनी सारी सलाद रखी है आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरी, और नीचे चिकन भी है जाने माने। और क्या है, मैं क्या ओन सूप वेज और नॉन वेज सूप बनाने के लिए रखी है मसाले। अच्छा, आप अपने से बनाना है? अच्छा अच्छा, अपने से बना सकते हैं चिकन दम बिरयानी। ओहो हो, बस ये सलाद। हाँ तो मैं एक और प्लेट ले लेता हूँ। अचार अचार सलाद की तरह मैं गलत प्लेट लेता हूँ। और रोटी हक्का नूडल्स, हक्का नूडल्स मंचूरियन, कढ़ाई पनीर। तुम क्या क्या लेना है तुम्हें? ऐसे के लिए ले रहा हूँ मैं हक्का नूडल्स, जो कि आयशा को बहुत ज़्यादा पसंद है। थोड़ा सा ही लेना, ज़्यादा मत लेना। तुम ज़्यादा खाओगी ना? नहीं, ये हो गया। कढ़ाई पनीर, हाँ थोड़ी सी लो ना, पनीर अच्छी पनीर ग्रेवी। वेज मंचूरियन, मंचूरियन तुम्हें चाहिए तो ले रहा हूँ। और ये सही से रखो, इस चीज़ किया बताओ, इसे सही से करो। ये लहसुनी मेथी, ओहो लहसुनी मेथी भाई, लहसुनी मेथी आ गया। नहीं आते। और ये दे रहे दाल मिल जाएगी, येलो दाल है और एब्सोल्यूट बिंगो आलू, येलो दाल स्टीम राइस, ये दाल राइस। हाँ, इसको थोड़ा साइड में करो। ये क्या लिया है तुमने? मेथी 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 राइस ले लेंगे ना, राइस बीच में डाल दो ना जब स्पेस है। बस हो गया। हाँ बस, राजमा वाली दाल है, बहुत टेस्टी है वाली थी। तो दाल ही तो है, वो ले लो, बोल दो। हमारा पास्ता भी आ गया। तो दोस्तों इतने हम मेन कोर्स लेकर आए यहाँ पे सब, इतने हमारा पास्ता बन के आ गया है। रोटी में क्या क्या है? रोटी में बटर गार्लिक नान और बटर नान दोनों भी। हाँ। एक है। तो मैं पास्ता ट्राई करके बता देता हूँ कैसा है, जो कि चीज़ पास्ता है। ओह जबरदस्त आयशा, खा के बताओ तुम्हें। तो हाँ, मेरा अपनी चिक्की एंजॉय कर रहे हैं गाइस। तो दोस्तों यहाँ की चिक्की बहुत टेस्टी है। तो दोस्तों जैसा कि अभी हमने स्टार्टर खा लिया, तो स्टार्टर में बहुत मज़ा आ गया। अब भी बारी आ गई मेन कोर्स की, तो अभी मेन कोर्स में फर्स्ट मैं ट्राई कर रहा हूँ हॉट एंड सॉस सूप चिकन, क्योंकि बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं पहले बहुत अच्छा है ऐसा पहले ट्राई कर चुकी हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगा गाइस, विदाउट टाइम पास मैं पहली बार सूप पी और मुझे अच्छा लगा है। मैं यहाँ का भाई मेन कोर्स खा के बताऊँ, जैसे कि बटर नान आ गया। मेन कोर्स लिया, एक भी मेन कोर्स छोड़ा नहीं है मैंने। ये आप जो देख रहे हैं वेज बिरयानी, ये है मटन कोल्हापुरी, इसका ट्राई करते हैं कैसा है। मैं तो मटन खाती नहीं हूँ, खाते हैं पसंद है।
फेवरेट नंबर वो बटर चिकन। हाँ 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 लाजवाब बटर चिकन भी बहुत ज़बरदस्त है। बटर चिकन खाने मस्त। ये है एक करी। हाँ मैंने चार मेन कोर्स एक ही प्लेट में ले लिया प्लस फ्राइड राइस पाँच। बहुत ही ज़्यादा अच्छा है जो है। अच्छा ट्राई करके बताओ टेस्ट करो। और ये आमिर का ऑन मेन कोर्स बाकी है जैसे एब्सोल्यूट आलू बिंगू दाल राइस मेथी नूडल्स और क्या लिया था हमने मंचूरियन भी दिया था ना उसमें वेज मंचूरियन। तो दोस्तों ये है गार्लिक नान। जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको चार पांच तरह की रोटियाँ मिल जाती है बटर नान सादा नान गार्लिक नान और भी मोर मोर। तो ये अभी गार्लिक नान भी आ गया है अभी आयशा खाने वाली है। मेरे को तो बहुत ज़्यादा पेट भर गया है। दोस्तों मैंने यहाँ पे मंगाई थी पाव भाजी। जैसा कि उन्होंने पाव के अंदर ही भाजी को मैं भर के दे दिया है आप देख सकते हैं। क्योंकि मैंने उनको बोला था एक ही देना क्योंकि हमें ट्राई करना है। तुम बोलो यार जो तो भी आ गया आमिर का ऑरेंज जूस। आमिर कितने जूस पी हो गया बहुत ज़्यादा। असल में क्या इसका जो टेस्ट है वो था हाई लेवल का मज़ा आ गया है। दोस्तों डेजर्ट में तो इतनी सारी चीज़ें हैं कि आप देखते रह जाएंगे गिनते रह जाएंगे आपको फिर भी थक जाएंगे। डेजर्ट में आपको इतनी सारी चीज़ें मिल जाती हैं चॉकलेट बॉल्स केसर फिरनी और ये चॉकलेट सैंडविच फ्रूट सलाद और ये क्या है नीचे फ्रूट जली और फ्रूट कस्टर्ड कीवी माउसी और आपको यहाँ पे जलेबी मिल जाएगी लाइव और ये है ब्राउनी और यहाँ पे आपको केसर का हलवा मिलेगा और गुलाब जामुन भी मिल जाएगी कोई राइस प्यासम और केसरी हलवा और ये मूंग दाल का हलवा सॉरी और यहाँ पे आपको लाइव आइसक्रीम बन के मिल जाता है। तो दोस्तों हमने लाइव आइसक्रीम का ऑर्डर दिया और उसके बाद हमने डेजर्ट पे ढाबा बोला। आयशा ने पूरी प्लेट भर लिया था अपना जितना हो सका उतना उसने भर लिया था पूरा कोई भी जगह बची नहीं थी। तो दोस्तों यहाँ पे इतना सारा डेजर्ट था कि समझ नहीं आ रहा था क्या खाए क्या ना खाए लेकिन फिर भी हमसे जितना हुआ उतना हमने पहल के खाया। तो दोस्तों ये था हमारा एब्सोल्यूट बारबेक्यू का ब्लॉग। आपको अच्छा लगा है तो लाइक करना ना भूले और उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसका जो एड्रेस है हम डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देंगे। तो दोस्तों मिलते हैं किसी एक अच्छी मुलाकात के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए और हंसाते रहिए और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस सबसे पहले सब्सक्राइब कर दे और घंटी का बटन भी दबा दे ताकि अच्छी अच्छी वीडियो मिले आपको सबसे पहले। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं मेरा बिल हुआ था 1678 रुपये का। जैसे कि और मैंने एब्सोल्यूट इजी डाइनर के थ्रू पे किया है तो आप देख सकते हैं मैंने सिर्फ दो लोगों का बिल पे किया हो 1452 रुपीस। तो मेरे को 726 का पर पर्सन पड़ा और